हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल, दिस इज रोशन शर्मैक्स। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, एक नई वीडियो की शुरुआत हम करते हैं। आप सभी अपने अपने एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं। ऑलरेडी आपने तीन एग्जाम्स आपके कंप्लीट कर चुके हैं। आज सिक्स सेवेंथ स्टूडेंट्स अपना इंग्लिश थर्ड लैंग्वेज एग्जाम लिख चुके हैं और एट्थ नाइन्थ टेंथ वाले अपना सोशल एग्जाम लिख चुके हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये वीडियो स्पेशली आपके फीडबैक के लिए है। आपका फीडबैक कैसा रहेगा, आप सभी ने अपना एग्जाम कैसा लिखे हैं, कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरे सभी स्टूडेंट्स बहुत अच्छा एग्ज़ाम लिखें। और शायद अपने आपने एक माइंड में अपना गोल रखा होगा या एक टारगेट रखा होगा, उस टारगेट को रीच करने के लिए मेहनत तो करना पड़ेगा। और जहाँ तक आज के क्वेश्चन पेपर का सवाल है, और क्वेश्चन पेपर ईजी ही था, ऐसा कुछ भी नहीं था कि जो आपने अनएक्सपेक्टेडली सोच रहे थे कि कहाँ से आएंगे, किधर से आएंगे, कैसा पढ़े। मैंने पहले से आपको कहते हुए आ रहा हूँ कि देखिए, मैंने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स अपलोड किया है, वो पेपर्स को अगर आप चेक करेंगे तो आइडिया मिल जाएगा। बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन, और कुछ स्टूडेंट्स देखे हैं, कुछ स्टूडेंट्स नहीं देखे हैं। फिर भी कैसा भी हो, एग्जाम्स बस अच्छा लिख के आए हैं तो वही काफ़ी होगा। उम्मीद करता हूं कि आपका जिस तरह एग्ज़ाम लिखे हैं उसी तरह आगे का एग्ज़ाम भी जाए। और कुछ ज़्यादा तो नहीं कहूंगा, अगर कुछ डाउट है तो आप मुझको कमेंट करके पूछ सकते हैं। और जो जो भी इस चैनल पर बने हुए हैं उन सभी का धन्यवाद है। और आप इस चैनल को देख रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं, इससे बड़े सौभाग्य मेरे लिए कुछ और नहीं हो सकता। बस यही चाहता हूँ कि आप लोग अच्छी तरह पढ़ें, अच्छी तरह अपने लाइफ में सेट हो, एक अच्छा फ्यूचर बने, अच्छे अच्छे आपको जॉब्स मिले। इसी वजह से मैं इस चैनल को, इस चैनल पर आपके लिए मटेरियल अपलोड करता हूँ। अपडेट आता है तो अपडेट भी अपलोड करता हूँ, सब्जेक्ट भी अपलोड करता हूँ, क्वेश्चन पेपर्स भी अपलोड करता हूँ, और कभी कभी लाइव क्लासेस भी लेता हूँ सिर्फ आप ही के लिए। अगर आप ही है तो मैं हूँ, अगर आप नहीं है तो मैं कुछ भी नहीं है। बस ये वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा। उम्मीद करता हूँ कि आपने आज का सोशल एग्ज़ाम, इंग्लिश एग्ज़ाम अच्छा लिखे होंगे। उसका फीडबैक ज़रूर देना, कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप अपना एग्ज़ाम किस तरह लिखे हैं। ऑल द बेस्ट सभी।